कपकपाती ठंड, कोहरे से अंगड़ाई लेती रात, बेसहारा किसान आज आखिरकार अपने हक के लिए सैकड़ों की संख्या में समाजसेवी ओम प्रकाश घूमना के साथ सहायक अभियंता कार्यालय गीजगढ़ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा की गई, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। किसानों का आरोप है कि जो बिजली वर्तमान में दी जा रही है वो 3 से 4 घंटे ही दी जा रही है, पानी खेत तक नहीं पहुंचता, इससे पहले ही लाइट काट दी जाती है। किसानों की मांग है कि लगातार 2 फीटर सुबह 6 से 12 और 12 से 6 बजे तक लगातार सिंचाई के लिए किसानों को बिजली दी जाए, पीने के लिए पानी के लिए अतिरिक्त दी जानी चाहिए। इसके अलावा जयसिंहपुरा फीडर पर अतिरिक्त लोड के लिए एक अन्य ट्रांसफार्मर रखा जाए। जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी हम यहां से नहीं हटेंगे। इस पर सहायक अभियंता महेंद्र वर्मा ने विश्वास दिलाया कि कल से आपकी मांग के अनुरूप सिंचाई और घरेलू आपूर्ति के लिए बिजली दी जाएगी। 15 दिवस के अंदर अतिरिक्त लोड का ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा। सहायक अभियंता की समझाइश पर लोगों ने धरना समाप्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश घूमना, कैलाश मीना, घनश्याम पटेल, बाबूलाल चेयरमैन, रामहरि कढ़ी, बनवारी जांगिड़, कैलाश स्वामी, दर्शन घूमड़ा आदि सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। हम साहब लाश की मांग को लेकर आए। अच्छा, क्या मांग थी आपकी? हम यह मांग के हम दिन में लाश के साथ मारे गए रात में, पानी सर्दी पड़ रही है। अच्छा, 6 घंटा लाइट पूरी और 6 घंटा आवे पूरी कुंडा की अलग आवे, कुंडा के आधे आधे घंटा दोनों टाइम अलग आनी चाहिए। 6 घंटा खेती के लिए आते जरा सी कटौती नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट की भी, तो खेती सफल हो पाएगी ना, खेती सफल हो भी को पाए रही। ओम प्रकाश जी, आज आप कौन सी मांग थी जिसको लेके सैकड़ों किसानों के साथ में बिजली ऑफिस गीजगढ़ पर पहुंचे? आज हम सैकड़ों किसानों के साथ में गीजगढ़ रैया ऑफिस में आए और हमारी एक ही मांग है इन किसानों की कि किसानों को सही प्रकार से बिजली नहीं मिल रही है। जो मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो घोषणा की थी कि सर्दी के समय हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, तो वो दिन में बिजली उनको मिल नहीं रही, और बिजली मिलने के बाद में भी क्या हो रहा है कि 3 घंटे 3.5 घंटे या 4 घंटे उनको बिजली मिल रही है। जो यहाँ पर विद्युत विभाग की जो है कि 6 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी, वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन सभी तमाम मांगों को लेकर किसान आज यहाँ पर जयन ऑफिस में आए और जयन साहब से बात की है, और जयन साहब ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कल से 2 फीटर दिन में चालू होंगे सुबह 6 से 12 और 12 से शाम के 6 बजे तक है, और पानी पीने के लिए अलग से उनको जो कुंडे हैं पेयजल है उनके लिए 8 घंटे अलग से लाइट मिलेगी, और निश्चित रूप से उन्होंने ट्रांसफर रखने की भी अलग से घोषणा की है।